आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तह तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत श्रीवास्तव आज आपके सामने अंक ज्योतिष से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सबको आज बताऊंगा आपके सामने। और इसको जान करके आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में जो भी चल रही हैं उनको जान करके समझ करके अंक ज्योतिष के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इसको समझना सीखना बहुत आसान है। सारी चीज़ों को नंबर्स का ही सारा खेल होता है। इन नंबर्स को अगर हम समझ लेते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, जान सकते हैं उनको कैसे हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं नंबर्स। और उन नंबर्स की अगर हम कुछ रेमेडीज़ कर लेते हैं तो हम उन प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नंबर्स हमारे चारों तरफ पूरे जीवन में आगे पीछे हर तरफ हर समय घूमते रहते हैं। उन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी हमें इफ़ेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं नंबर्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे हमारा बर्थ डेट होता है, बर्थ प्लेस होता है, उस प्लेस का भी नंबर होता है, नाम होता है, हम जिस हॉस्पिटल में जाते हैं उस हॉस्पिटल की बर्थ होती है, वार्ड नंबर होता है, कुछ ना कुछ नंबर होता है, हम कहीं ट्रेवल पे जाते हैं उसका ट्रेन नंबर होता है, सीट नंबर होता है, हम अगर पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं तो उसमें रोल नंबर होता है, मार्क्स मिलते हैं, सब्जेक्ट होते हैं उनके भी नंबर्स होते हैं, मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं मोबाइल नंबर्स के भी नंबर्स होते हैं, उसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है उन सब की, हम सिग्नेचर करते हैं उस सिग्नेचर की भी फ्रीक्वेंसी होती है, उन सब चीज़ों को भी देखा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। उन सब को जान करके हम किस तरह से जानेंगे समझेंगे ये सारी चीज़ें आज बताई जाएंगी आपको। अब हम नंबर्स को कैसे अपने हमारे फेवर में हैं नहीं इन सब को जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से ही सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे किसी की भी जन्म तारीख हम ले लेते हैं, जैसे किसी की जन्म तारीख है 2/4/2020, इस डेट ऑफ बर्थ में जो हमने 2 लिया है ये उसका हो गया मूलांक। ये मूलांक ही जानना पड़ता है, मूलांक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मूलांक का जो स्वभाव होता है वही आदमी को इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है उसका भाग्यांक। जीवन में अगर देखा जाए तो नंबरोलॉजी के अनुसार ये दो नंबर्स जो निकल के आते हैं मूलांक और भाग्यांक, इन्हीं दोनों का सारा जोड़ देखा जाता है, इन्हीं सब का कैलकुलेशन देखा जाता है, इन्हीं सब का स्वभाव जो होता है इन नंबर्स का, क्योंकि ये सारे नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं प्लैनेट से किसी ना किसी ग्रह से कनेक्ट होते हैं, उनकी ब्लेसिंग उनसे मिलती रहती है और उन्हीं नंबरों का उन्हीं ग्रहों का प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता रहता है समय समय पर। और इसमें हम देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारे साथ में है, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारा मूलांक क्या है और हमारा भाग्यांक क्या है। इसमें मूलांक और भाग्यांक का ही मेन रोल होता है। मूलांक जैसे किसी का भी 1 है, अब 1 हम तारीख में देखेंगे कि कौन कौन सी डेट 1 में आती है, तो 1 हो गया, तारीख हो गई 10 तारीख हो गई, 19 तारीख हो गई और 28 तारीख हो गई, ठीक है। इस तरह से 4 डेट हमारी निकल के आती है कैलेंडर में, इस 4 तारीख वाले लोग जो भी हो गए, 1 तारीख वाले, 10 तारीख वाले, 19 तारीख वाले और 28 तारीख वाले, इन सारे लोगों का जो मूलांक कहलाएगा वो 1 कहलाएगा। अब इन 1 मूलांक वालों का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्या स्वभाव होगा, किस तरह से ये बिहेव करेंगे, किस तरह से ये लोगों के साथ रहेंगे, स्वभाव होगा इनका किस तरह से, बिहेवियर होगा इनका, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। 1 वाले अपने आप में एक राजा जैसी फीलिंग रहते हैं, क्योंकि 1 नंबर अगर हम देखते हैं तो ये डिनोट करता है सन को, राजा को और फादर को, इन 3 लोगों को डिनोट करता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक के लोगों को, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर हो सकती है, एक राजा की फीलिंग हो सकती है इनके अंदर, ये राजा जैसे फील करेंगे, ये किसी के अंदर दब के काम नहीं कर सकते, किसी के अंदर भी जरा सा भी किसी ने अगर, जैसे बॉस होता है ऑफिस में जाते हैं, बॉस ने कह दिया ये काम हमें कल तक चाहिए, तो वो अब हो सकता है टेंशन में हो, कुछ परेशानी इशू हो, तो वो काम तो करेंगे लेकिन उनको वो मज़ा नहीं आएगा काम करने में, उनको आज़ादी पसंद, क्योंकि 1 नंबर वाले आज़ादी पसंद होता है, फ्रीडम लवर होते हैं लोग। जैसे इनके अंदर क्या होता है कि लीडरशिप क्वालिटी होती है, इनको अगर किसी मतलब टीम दे दी जाए, इनको नेतृत्व का काम दे दिया जाए तो बहुत अच्छे से करेंगे, नेतृत्व की पावर होती है इनके अंदर।
हमेशा आगे रहेंगे किसी भी चीज़ में। होगा चार लोग अगर खड़े हैं तो उनमें अगर कोई कोई चीज़ पूछा जाएगा तो वो पहले बढ़ जाएंगे आगे, वो जवाब देंगे पहले। तो उनके अंदर आगे बढ़ने वाली आगे स्ट्रीम सब फर्स्ट आने वाले चीज़ें होती हैं और जवाब भी खुद ही देंगे पहले, और फ्रंट में आकर के ये लोग चीज़ों को करते हैं। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होता है, किसी से भी थोड़ा सा निडर भी होते हैं, ये लोग डरते नहीं हैं। अगर निगेटिविटी में देखते हैं इन लोगों की थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती हैं, तो अगर निगेटिविटी में देखते हैं तो ये लोग थोड़ा सा ज़िद्दी भी होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा होता है कि हाँ राजा है, मतलब दिमाग में हमेशा वही चीज़ फीलिंग्स रहती हैं, तो थोड़ा सा इनके अंदर जैसे राजा वाली फीलिंग रहती है। तो ये इसी हिसाब से मतलब किसी के सामने डरते नहीं हैं, मतलब किसी को अपने सामने थोड़ा सा समझेंगे नहीं, और इसी में क्या होता है कि ये अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं कि नहीं मैं हूँ सब कुछ और कुछ किसी को कुछ नहीं। थोड़ा सा ये इनके साथ ड्रॉबैक भी रहता है। अब अगर हम इनका फाइनेंस देखते हैं तो इनको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, और कुछ समय बाद इनके पास पैसा आता है, बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 35+ एज के बाद इनके पास बहुत अच्छा पैसा आता है। ठीक है, अब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में इनका कुछ जगह पे जैसे सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो इनके पेट पे मतलब स्टमक प्रॉब्लम रहती है, इनको बैक पेन की प्रॉब्लम रह सकती है, और चेस्ट की प्रॉब्लम होती है, और आँखों की प्रॉब्लम होती है। ये चार जगहों पे सूर्य का प्रभाव पड़ता है बॉडी पे। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप इनका। देखिए थोड़ा सा स्वभाव थोड़ा सा उस हिसाब से रहता है, तो इनको अगर ये अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे, अपने स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे, तो इनसे रिलेशन सभी के बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि इनका बिहेवियर जो है वो मतलब प्लैनेट एक नंबर जो प्लैनेट कनेक्ट करता है वो सूर्य से करता है, तो सूर्य वैसे भी ब्रह्मांड में सबसे यूनिक है, मतलब वो बिल्कुल राजा तरह से है, वहाँ पे राजा है, वो मेल मिलाप सभी से बना रहता है, और उसको सम्मान मान सम्मान मिलता रहेगा तो वो बहुत अच्छा सा बिहेव करता है, और सभी को साथ में लेके चलने वाला है ये नंबर। तो इसी साथ आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं, और आगे हम जानेंगे कि आगे दो नंबर वाले मूलांक वाले उनका कैसे क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखने के लिए सीखने के लिए समझने के लिए आपको इस चैनल को देखना पड़ेगा और इस वीडियो को देखना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपना डेट ऑफ बर्थ भी अगर हमें नीचे दिए हुए मेल आईडी पर भेजते हैं तो आपको बहुत अच्छा मतलब मैं समझा पाऊँगा बता पाऊँगा, और अपने आप को आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे रिलेट कर पाएंगे कि हमारे मूलांक में ये कौन सा चीज़ हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप आराम से समझ सकते हैं। अब जैसे आज का जो वीडियो मैंने दिया है एक नंबर वालों के लिए, एक मूलांक वालों के लिए, एक मूलांक के जितने भी लोग हैं अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं। इसी तरीके से आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।